प्रसाद जी कल बोले हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो अभी तारीख निकाल दिया गया है चुनाव के लिए, ये अच्छा नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा है, इस पर क्या कहना? चुनाव आयोग के जो चुनाव आयोग ने जो चुनाव की घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं और हम सब लोग तैयार बैठे हैं, पहले से ही तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों काम करती है, जो नहीं होता है कि बरसात में मेढक टर टर करता है, दूसरा दर वाला सब है ना विपक्षियों सब, वो सब अभी कर रहा होगा टर टर, और हम लोग तो लगातार काम करते हैं तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित तौर पर जैसा कि माननीय मंत्री राणा रणधीर जी ने आपको विशेष तौर पर आज के व्यवस्था के संदर्भ में कहा है, तो बिल्कुल सही है। और अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, युद्ध के मैदान में है, यही सब सेना लोग है जो मजबूत बूथ स्तर का है लोग कार्यकर्ता, और यही सब लोग चुनाव को जीतेगा। हमारा पार्टी का स्पष्ट मानना है जो बूथ जीत दिया वो चुनाव जीत लिया, बूथ जीतो चुनाव जीतो। एनडीए के घटक दल चिराग पासवान अब एनडीए से दरकिनार कर रहे हैं, एनडीए के घटक दल चिराग पासवान अब एनडीए से दरकिनार कर रहे हैं जो कि उनका सीट मांगों को लेकर चल रही थी। कौन कह रहा है? एनडीए में है भाई, बिल्कुल एनडीए में है, एनडीए इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बात हो रही है, हमको बता देगा आपको, हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है उन्हें ना बताएगा, आप देखिए ना दो चार दिन में सब साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे चुनाव। हाँ, हमारा जो विपक्ष वाला जो महागठबंधन है वो रोज उसके आदमी निकल रहे हैं, कांग्रेस से आंख दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने आंख दिखाया, वो नेतृत्व मान ही नहीं रहा है, महागठबंधन का नेता है उसको मानने को तैयार ही नहीं है, तो अब समझिए कहाँ महागठबंधन है कहाँ एनडीए है।